हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा, मैं सुबह नहीं, मॉर्निंग का नहीं कर पाई आज ब्रेकफास्ट वगैरह का ना, क्योंकि मेरा आज मन भी नहीं कर रहा था और आज भीड़ भी, मतलब काम डबल हो जाता है, डबल डबल ब्रेकफास्ट बनता है, तो मैं नहीं कर पाई आज ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैं आज बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैंने जो कल की वीडियो अपलोड करी वो भी मैंने बहुत लेट करी है आज, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था। रात भर मेरे को एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो चुकी थी मैं, तो मैं फिर बंद करके सो गई थी। तो बाकी मैंने सुबह भी बनाया उसको, फिर उसके बाद अब मैंने नॉक किया उसको। कोई बात नहीं, अभी तो बनते रहेंगे व्लॉग्स। अभी नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें बता दूंगी कि मैं ट्यूसडे में क्या क्या बनाती हूँ और कैसे क्या क्या बनता है ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैं दिन में, आज तो मेरे यहाँ बनेगा राजमा चावल और ये बूंदी वगैरह ना, रायता बूंदी जो भी बनता है वो बनेगा। तो राजमा बन चुके हैं, अब मैं छोंकती हूँ उसे। मैं राजमा छोंक रही हूँ, ये बंद हो गया। फटाफट राजमा छोंक के भागती हूँ शॉप पे, क्योंकि अभी होने वाला है अब रश थोड़ी देर में। मुझे दुकान में भी देखना है, तो सामान वामान चाहिए होता है यहाँ पे, डेली सामान वगैरह कुछ करना होता रहता है। बस तो मैं कल सब ले आई थी, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, डेली का काम कैसे होता है। अभी लौकी मंगाई है उसमें ना, लौकी के मोमो बनाते हैं हम ना। तो पंद्रह लोग लाई थी, मैं ख़त्म हो गया उसको लेटर। तो अभी बोल रही हूँ कि लेट कर आना, मैं कल लाई थी, है यहाँ पर लौकी लेकर पड़ी हुई है, क्योंकि शाम को आज मेरे यहाँ भी लौकी बनती है, तो मैं लेके आ गई थी कल ना एक्स्ट्रा। ओके, मैं लेके जाऊँगी अभी शॉप में, फिर बनाते हैं मोमो। आज मैं आपको मोमो में, मोमो का बैटर बनाने, सॉरी मोमो का बैटर नहीं, मोमो का जो मसाला बनता है ना उसका रेसिपी बनाने बताने की कोशिश करूँगी, अगर मैं उस वक्त वहाँ फ्री होंगी तो। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करना। वैसे तो बहुत लोगों को आता है वैसे मोमो में, हमारे गोरखा लोगों को तो ऑलमोस्ट सबको आता ही है, ज़्यादातर वो बनाते ही हैं, लौकी के ही मोमो बनाते हैं। मेरा राजमा भी बन चुका है, अब मैं रायता बना रही हूँ, बूंदी वाला रायता बोलते हैं ना। थोड़ा सा दही निकालती हूँ मैं अपने ना, एक कटोरी दही में डेली खाती हूँ, मतलब फ्रीज में भी रखे जमा के, पहले डायरेक्ट निकाल के, तब फ्रीज वाला नहीं खा सकती मैं, ठंडा नहीं खाती, क्योंकि पानी भी मैं नॉर्मली पीती हूँ, सुबह गर्म पानी पीती हूँ और दिन भर नॉर्मल पानी। तो ये थोड़ा सा जामुन रख देती हूँ उसमें, बूंदी डाल के सुविधा 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 बच्चे वगैरह तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं चीनी डाल के बनाती हूँ ना। वैसे तो सब लोग, काफ़ी लोग हमारे में तो ऐसे बनाते हैं, कोई लोग नहीं बनाते थे, एक बार ट्राई करना। एक बार चम्मच चीनी डालना उसमें, और ये काला नमक, काला नमक डाल दिया, और ये मिर्च पाउडर। आप लोग बोलोगे कि ऐसे ऐसे करके डालती है, पर मुझे ना आइडिया है, मैं तो ऐसे बिना, मैं कभी भी मतलब तो दाल वाल भी बनाती हूँ तो कभी नाप तोल के बनाती हूँ, मुझे आइडिया है, कुकर में डालती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि कितना बनता है। मैं कभी भी नहीं नापती हूँ, मसाले भी ऐसे डालती हूँ, मतलब वैसे तो यूज़ करती हूँ स्पून, पर कभी कभी नहीं भी करती तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों का ना, चाहे जितना मैंने खाना बना लिया मैंने, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो गया है कितना डलेगा क्या डलेगा। इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं आप लोग, मेरा जीरा पाउडर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो नहीं मतलब शॉप में ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ से ले गई थी, मैं कैंटीन से लेके आती हूँ, सी एस डी से बहुत सारे बॉक्स लेके आती हूँ, यहाँ तो बहुत महंगा पड़ता है। तो जो हमारा आलू के पराठे बनते हैं शॉप में, तो उसमें जीरा पाउडर डालूँ तो कंपलसरी डलता ही है, उससे फिर टेस्ट आता है। तो मेरा बन चुका है खाना, और फिर बारिश शुरू होगी है बहुत तेज, और मुझे जाना है शॉप तो चलो मैं चले जाऊँगी, मुझे लाना है आटा, और मैं सोचूँ कैसे लाऊँगी, भीग जाएगा। सुविधा मतलब इतना तो दूर नहीं है, मैं थोड़ा सा है मतलब 5 किलोमीटर से थोड़ा कम ही है, भीग जाएगा मेरा आटा, तो मुझे लगता है ऑटो करके जाना पड़ेगा मुझे आज, क्योंकि आटा शाम के लिए नहीं है, कम से कम एक टाइम में 4 से 5 किलो आटा गूंदा जाता है, सुबह इसने गूँ दिया, नाश्ता निपटा दिया, और दिन के लिए है, शाम के लिए है पर कम है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
तो गाइस मैं आ गई फाइनली आटा लेके 40 किलो कट्टा। अभी से तो आना महाभारत होता है, हम मेरे अकेले के बस की होती नहीं है। यशोदा चली गई घर, अब वंशिका और मैं ही उतारेंगे इसको। और मौसम सब्जी वब्जी भी ले आई मैं थोड़ा सा ना, सैलड वगैरह ख़त्म हो रखा था। भिंडी लाई हूँ सुबह के लिए, कल नाश्ते के लिए, परसों नाश्ते के लिए कद्दू, लौकी दो शॉप के लिए। ये 40 किलो का कट्टा ये मैं नया ट्राई कर रही हूँ। आज मैं श्रीपूर्णा का लाती थी, इस बार मैं देखती हूँ इसको ट्राई करके। वो आजकल ख़राब आने लग गया पता नहीं क्यों। और ये कट्टा सिर्फ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन या 6 दिन चलता है, फिर मुझे फिर भागना पड़ता है। मेरे पास वो नहीं है ना यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं उसे, स्टोर टाइप का जिसमें मैं रख सकूँ थोड़ा सा सामान लेके एक्स्ट्रा, तो मुझे हर हफ्ते भागना पड़ता है लेने के लिए। कोई नहीं, मेरा तो चक्कर वैसे भी लगता रहता है मार्केट में, तो मैं लेके आती रहती हूँ। चावल का कट्टा 25 किलो वाला, वो भी मेरा 10-12 दिन चलता है, फिर इसके बाद ये 40 किलो का कट्टा, ये तो 5 दिन मुश्किल से चलता है। मैंने आज वहाँ अपनी शॉप में ना, जो मेरा फेमस आइटम है मेरे शॉप की ग्रेवी मोमो, उसका वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, मतलब बनाया है। और उसका वेज मोमो का जो मैंने आप लोगों को बोला था कि उसका बनाऊंगी, पर ना मैं वॉइस नहीं डाल सकी, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और मेरे शॉप के आगे ना टीन शेड है, उसमें पड़पड़ पड़पड़ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको साइलेंट में ही बनाया, और मतलब वैसे करके नहीं बनाया। अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, अभी मैं थोड़ी गरीबी रेखा वाली ब्लॉगर हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास अभी माइक भी नहीं है, तो मैं फिर इसलिए मैंने उसको ऐसे ही बनाया। पर मैं एक दिन जब अच्छे से आपको उसका पूरा बना के रेसिपी बता के तब बनाऊंगी, अच्छे से वीडियो डालूंगी उसका। वो मेरा बहुत फेमस है ग्रेवी मोमो ना शॉप में, बहुत अच्छे मतलब बहुत आते हैं वो खाने के लिए, तो उसका मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा। वो जो लौकी का मैंने मोमो बनाया था उसका भी मैंने ऐसे ही बैटर जो होती है उसी से बनाया है उसको, ठीक है। उसमें मेन तो वही लौकी और प्याज डलता है, अजीनामोटो, नमक वगैरह, और हम वो डालडा घी डलता है उसमें मेन ना, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। डालडा घी को मेल्ट करके गर्म करके फिर ऊपर से डालते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, अदरक घिस के डालते हैं। बट अभी मैं नहीं डाल रही हूँ अदरक घिस के, क्योंकि अभी मार्केट में फ्रेश वाले जो सॉफ्ट वाले अदरक होते हैं ना वो नहीं आ रहे हैं, वो हार्ड वाले आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा घिसते समय बाल बाल से निकलता है, रेशे निकलते हैं उसके, तो मैं इसलिए उसको नहीं डाल रही हूँ, बट पेस्ट डाल रही हूँ मैं। और थोड़ा महंगा भी हो गया अदरक आजकल, और धनिया डलता है, और हम उसमें थोड़ा सा मोमो की चटनी जो होती है ना रेड वाली, वो भी डाल देते हैं उसमें 2-3 चम्मच, तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें। तो बस प्याज लौकी, हम सोयाबीन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते उसमें, बंद गोभी वगैरह नहीं डालती हूँ, सोयाबीन नहीं डालती, सिर्फ लौकी और प्याज को, लौकी को घिस के उसका पानी निकाल के तब हम उसमें प्याज वगैरह डाल के मिक्स करके बनाते हैं। तो आप लोग ट्राई करना। तो मैं फटाफट सब्जी बनाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, अब वही सेम मेरा आपको पता है रूटीन है, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, और फिर जिम भागो। तो मैंने आज वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, फिर बोलोगे डेली डेली यही डाल देती है, बोर हो जाओगे तुम लोग, इसलिए मैंने आज मैं आपको बता रही हूँ मैं ये बना रही हूँ, और रेडी होके फिर जिम जाऊंगी, फिर जिम से आके फिर शॉप में बैठना है मुझे, फिर शॉप से मैं आती हूँ 9 बजे, 9 बजे आके फिर यहाँ बच्चों को देखती हूँ। तो फिर चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर, बाय। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ जिम, अंधेरा क्यों हो रहा है यहाँ पे, लाइट भी चला रखा है जी, ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति, ये हमारे जिम, एक मिनट पर लाइट जलाती पहले, अब जलाना लाइट। ये आज मेरा लेग सेशन है, मेरा फेवरेट एक्सरसाइज जिम का लेग होता है, ये पूरा लेग की मशीन है यहाँ पे ना, वॉइस भी नहीं आज ना, मतलब वो नहीं चलता यहाँ पे स्पीकर वगैरह, ये सारे लेग्स की मशीन है, सब मेरे फेवरेट मशीन है ये सारे। करती हूँ थोड़ी देर बाद, अब बाद मैं एक्सरसाइज कर लूँ, आज लेट डे है मेरा, और मेरे को लग जाएगा कम से कम एक घंटा तो लगेगा पूरा ये सारे मशीन करने के लिए।
समझ आ गया एक्सरसाइज करके। सर में दर्द हो रहा था दिन से ना, रात को चढ़ चढ़ के कर रही थी ना आप लोग, वो सर में दर्द हो रहा था सुबह से, दवाई लाने की सोची थी, एकदम ठीक हो गया एक्सरसाइज। सीढ़ी भी उतरे जा रहा हूँ वाले दिन, ठीक है बाय। चाबी तो वहीं रह गई, दोबारा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, बहुत दर्द होता है एक्सरे वाले को, सीढ़ी में चढ़ी जाती। मेरी स्कूटी की चाबी पड़ी रह गई, चाबी। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। नमस्ते, बाय, गुड नाइट।